Assalamualaikum जी, application of Gauss's law में example 2.6 देख रहे हैं, introduction to electrodynamics, Griffith का fourth edition है, इसमें वो हमें कहते हैं दो infinite parallel planes हैं, equal but opposite uniform density रखती हैं, plus minus sigma की, वो कहता है field बताओ इन तीन regions में, जो region 1, region 2, region 3 दिखाया गया है, वो कहता है आपने region 2, left of both बताना है, between them बताना है, right of both बताना है. अब क्या है जनाब कि हमें बताया जा रहा है कि दो पैरेलल प्लेन इनफाइनाइट दो प्लेन है पैरेलल है इनफाइनाइट शीट की इक्वल और ऑपोजिट चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा जैसे मैंने नीचे लिख दिया है. अब अगर आप दो लेफ्ट प्लेट को कंसीडर करो पॉजिटिवली चार्ज तो पॉजिटिवली चार्ज की लाइनें बाहर जाएंगी तो देखो इसकी ई पॉजिटिव मैंने लिख दिया तो इसकी डायरेक्शन मैंने आउटवर्ड रखी है और सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट अभी पिछले केस में हमने इसे प्रूफ किया है और अवे फ्रॉम इट है. जबकि अगर हम राइट प्लेट को नेगेटिवली चार्ज रखें तो इसकी वजह वाली फील्ड इनवर्ड आएगी. तो इधर से देखो मैंने इनवर्ड दे दिया इस साइड को, ये भी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट होगी. ठीक है, अब जैसे आपको देख रहे हैं यानी आपने प्लेट के लिहाज से तय कर लेना है कि इसकी फील्ड आउटवर्ड है चाहे कुछ भी हो जाए, इसकी फील्ड इनवर्ड है चाहे कुछ भी हो जाए. तो जब हम लेफ्ट वाले बोथ में देखेंगे रीजन वन के अंदर तो इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही है तो एक इफेक्ट को कैंसिल करेंगी. सेंटर में देखें तो वो एक ही सेंथ में है तो एड अप हो जाएंगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ जाएगी. फिर अगर आप राइट पे देखेंगे तो तब भी एक दूसरे के मुखालिफ है, तब भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी. तो इसका मतलब सिर्फ दरमियान में ही आपकी फील्ड आएगी. तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है. अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अब तक के लिए इतना ही, पक्के इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.